मॉनसून की भारी बारिश तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में तबाही मचा रही है और अब गुजरात में फिर से तबाही मचाने को तैयार है। मौसम विभाग ने आज दोपहर को गुजरात में भारी बारिश होने का रेड अलर्ट जारी किया था। मध्य प्रदेश और राजस्थान सहित 23 राज्यों में बादल बरसने की चेतावनी दी है। गुजरात के सूरत, कच्छ, सौराष्ट्र में भारी बारिश हो सकती है। पश्चिम मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्व राजस्थान में भारी बारिश से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है और ऐसे में मौसम विभाग ने ताज़ा अलर्ट जारी करते हुए लोगों से अपील की कि वे घर से निकलने से पहले IMD का ताज़ा अपडेट जरूर देखें, वरना परेशानी में फंस सकते हैं। गुजरात में पिछले दिनों 200 से ज़्यादा तहसीलें बाढ़ में डूब गई थी। आपको बता दें कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पिछले 3 दिनों से बारिश तबाही मचा रही है। बाढ़ में कई जिले डूबे हुए हैं। आंध्र प्रदेश में 17 और तेलंगाना में 16 लोगों के साथ करीब 33 लोग अब तक जान गंवा चुके हैं। वहीं 400 से ज्यादा ट्रेनें कैंसिल हैं और 140 ट्रेनों का रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। पूरे आंध्र प्रदेश के करीब 4.5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। 100 से ज्यादा राहत शिविर बनाए गए हैं। विजयवाड़ा, गुंटूर, कृष्णा, एलूर समेत कई जगह ऐसे हैं जहां हालत काफी खराब है। SDRF और NDRF की 40 टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं और कई इलाकों में बिजली ठप होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। तो वहीं CM चंद्रबाबू नायडू ने सेना के तीनों अंगों को हेलीकॉप्टर, ड्रोन, नाव, ट्रैक्टरों आदि जैसे तरीके से राहत सामग्री पहुंचाई जा सके लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि बाढ़ से 3 दिन में तेलंगाना को 5,438 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। आपको बता दें कि पिछले दिनों हुई बारिश से गुजरात में भी बाढ़ आई। 200 से ज्यादा तहसीलें बाढ़ के पानी में डूब गई। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन फिर बारिश होने का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश की 10 नदियां और 100 से ज्यादा तालाब पहले से ही उफान पर बह रहे हैं। 100 से ज्यादा रास्ते ब्लॉक हैं। अकेले वडोदरा से 20,000 लोग रेस्क्यू करके राहत शिविरों में पहुंचाए गए हैं। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।